कहाँ न्यू लाइन जाने वाला ब्रिज और एक्साइटेड हूँ शादी खाने के लिए। क्या बोलना चाहते हो तुम पागला ने की? फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं डिमापुर और हाँ गाइस आप लोगों ने ठीक देखा और जैसे मैंने आप लोगों ने थंबनेल देखा और जैसे आपने क्लिक किया वैसे ही अभी आप लोगों के मैं व्यू दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे ऐसे बनते रहना, मैं जाने वाला असम तो डिमापुर, डिमापुर तो न्यू लाइन, तो ऐसे ही वीडियो पे बनते रहना। सीन और बड़े मजेदार होने वाला है व्यू, आप लोग वीडियो पे ऐसे इंजॉय करते रहना, मैं भी इंजॉय करते रहूंगा, तो वीडियो पे ऐसे ही बनते रहना। गाइस हम लोग आ चुके हैं डिमापुर और हम लोग डिमापुर से जाने वाला है न्यू लाइन, तो आप लोगों के मैं न्यू लाइन बस दिखा दूंगा, तो हम लोग ऐसे ही जाने वाला है, तो वीडियो पे बनता रहना। ये रहा बस स्टेशन पार्क और ये स्टेशन है और यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर टिकट काट चुके हैं और हम लोग जाने वाला है इस बस से न्यू लाइन जाने वाला है डिमापुर टू न्यू लाइन। हम लोग आए थे असम टू डिमापुर और हम लोग जाने वाला है अभी न्यू डिमापुर टू न्यू लाइन, तो ये बस है, आप लोग ऐसे वीडियो पे बनते रहना और नज़ारा देखते रहना। फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं न्यू लाइन के इस पार और यहाँ पर मेरे वो क्या बोलते हैं बहन का पति वहाँ पर ऑटो लेके आया है हम लोग के लेने के लिए, तो ऐसे ही वीडियो पे बनते रहना क्योंकि अभी हम लोग जाने हैं और मेरे बहन के घर में, तो ऐसे ही वीडियो पे बनते रहना। स्किप मत करना क्योंकि स्किप करने से आप लोगों का नुकसान होगा, ये वीडियो देखते रहना। तो फिलहाल हम लोग बहन के घर में आ चुके हैं, आने के बाद हम लोग खाना साना खाने के बाद अभी आप लोगों के मैं न्यू लाइन का प्लेस दिखाने के लिए, व्यू दिखाने के लिए आ चुका हूँ यहाँ पर रेस्ट हाउस में, तो आप लोग वीडियो पे ऐसे बनते रहना, तो आप लोग व्यू देखते रहना। तो चलो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहा कोहिमा जाने वाला ये न्यू लाइन, उस पर वहाँ पर है वो न्यू लाइन जाने वाला ब्रिज और प्लस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ के ऊपर में इतने अच्छे से यहाँ रास्ता बना रहा है और प्लस यहाँ से आप लोग कोहिमा भी जा सकते हो यहाँ पर माउंटेन के ऊपर में, और इसके नीचे भी देख सकते हो पूरा यहाँ पर स्टोन का फैक्ट्री है और यहाँ पर पूरा काम चल रहा है यार, क्या ही बोले। तो आप लोग मैं जाके आगे जाकर दिखा दूंगा न्यू लाइन ब्रिज, तो आप लोग ऐसे वीडियो पे बनते रहना। तो फिलहाल गाइस हम लोग न्यू लाइन ब्रिज पहुंचने वाला है, वो रहा आगे में यार क्या ही बोले, आप लोगों के मैं साइन बोर्ड भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग ऐसे वीडियो पे बनते रहना। तो देख सकते हो गाइस ये रहा न्यू लाइन जाने वाला ब्रिज और इस न्यू लाइन ये ब्रिज को पार करके न्यू लाइन जाने वाला उधर ही है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेटिंग सीट वहाँ पे हम लोग जाने वाला है और आप लोगों को वेट साइन बोर्ड भी दिखाने वाला है, तो आप लोग ऐसे वीडियो पे बनते रहना और यहाँ का नजारा आप लोग देखते रहना, मैं 3D दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पे ऐसे ही बनते रहना। ब्रिज आपको मैंने दिखा दिया था और प्लस यहाँ पर देख सकते हो वेटिंग सीट, यहाँ का न्यू लाइन का वेटिंग सीट यार इतने ऑसम से बनाया है, और प्लस वहाँ पर साइन बोर्ड मैं आप लोगों के भी जाके दिखा दूंगा, और इस गेट पार होने के बाद आप लोगों का उधर जाने का है, उधर जाने के बाद न्यू लाइन मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग भी प्लीज यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हो क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत अच्छा होता है, और आप लोगों को मैं दिखा जाऊंगा ये साइन बोर्ड, तो चलो वीडियो बनते रहना। तो
गाइस अभी हम लोग जाने वाला है शॉप बोले तो दुकान, और हम लोग वहाँ पर जाके थोड़ा छोटा मोटा सामान खाने वाला है, तो उधर रहना क्योंकि यहाँ का रास्ते भी बहुत ख़राब है और मौसम लगभग आपको 2 बजे तक तो मौसम ख़राब था, अभी 3 बजे को सन निकला है यार क्या ही बोले, और प्लस सन निकल के भी क्या कर रही है, अभी भी ठंडा लग रहा है। और इस जगह में न्यूलैंड के इस प्लेस में तो कॉलोनी में बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि पहाड़ का एरिया है ना, इसलिए माउंटेन का एरिया है, बहुत हवा मारता है और हम लोगों का यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग ये देखो कैसे बच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रास्ता से, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अलग आदमी हूँ ना। ये देखो ये क्या कर रहा है, इतना स्टाइल दिखा रहा है यार यार मैं इतने आगे निकल चुका हूँ इतने गंदे रास्ते से भी, फिर भी वो इतना स्टाइल से आ रहा है, कभी इधर से कभी उधर से। भाई साहब देखिए रास्ता बहुत खराब है, ये रास्ता मत आना। मैं आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग ऐसे ही मुझे फुल सपोर्टिंग करते रहना यार क्या ही बोले। और आप लोगों के मैं बार बार कहता नहीं रहूंगा, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहना, आप लोगों के कैसा लगता है प्लीज अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, बुरे लगते हैं तो डिसलाइक भी ऑलरेडी यूट्यूब का कंपनी ने बना के रखा है, आप लोग डिसलाइक भी दे सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो एक्सप्लेन करना चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोल देना, और वीडियो भी ऐसे ही बनते रहना। गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त भी कुछ बताना चाहता है आप लोगों को, क्या बताना चाहते हो बोलो। क्या बोलो यार, जो मेरा ये दोस्त है ना, इसका जो वीडियो अभी अपलोड किया है तो वो भी अभी नया है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ज़्यादा नया भी नहीं है, तो मिडिल में ही है, उसका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो उसका थोड़ा कॉमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये सब बोलने के लिए इतना नहीं आता है क्योंकि मैं यूट्यूब नहीं चलाता हूँ ना, तो क्या बोलूँ उतना ही बोलना चाहता हूँ। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है इस बार शादी करने वाला है, तो मैं आई होप कि मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ शादी खाने के लिए, क्या बोलना चाहते हो तुम पागलाने की पागलाने की बोल रहा है यार क्या ही बोले, मैं पागल जैसा देख रहा हूँ क्या आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, और प्लीज चैनल में नए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो पे ऐसे ही मुझे सपोर्टिंग करते रहना, और ऐसे ही नया व्यू में आप लोगों के मैं दिखाता रहूंगा, और ऐसे ही आप लोग मेरे मुझे को सपोर्टिंग करते रहना। तो आज के लिए यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिमापुर ब्लॉग के वीडियो में मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय।